होती है, एक टाइम आता है कि भाई वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, क्लियर। अब यहाँ पे बेटा जैसे ही मस्तिष्क के पास पहुंचती है, हमारा ब्रेन क्या है, शरीर का समन्वय केंद्र है, यानी कि आपके पूरी बॉडी में, शरीर में कुछ भी होगा वहां पे बेटा पता होगा कि क्या होने वाला है, क्लियर है। यानी कि बेटा पूरी बॉडी में आखिर कुछ भी होगा, चाहे आपको कोई छू रहा है, मार रहा है, आपको चोट लगी है, कुछ भी है, कहीं दर्द है, तो आपको भाई ब्रेन बोले, आपको सिग्नल मिलेगा, भाई आपको पता लगता है कि अभी आपके हाथ में दर्द है, पता कैसे लगेगा, भाई ब्रेन ने सिग्नल दिया दर्द हो रहा है हाथ में। तो ब्रेन तक क्या जाता है, भाई ब्रेन जो है ना हमारा मस्तिष्क, सारी चीजें उसको बेटा वहां पता होती है कि भाई क्या चल रहा है बॉडी में, क्लियर। यानी कि भाई ये मान लो जैसे भाई जो किंग होता है ना, उसके पास सारी खबरें होती हैं, सब चीज होती हैं, सारी चीज उसके हाथ में होती है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन होता है भाई, वो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, यानी कि शरीर में एक एक क्रिया जो भी होगी उसके पास सूचना होती है, ठीक है। उन सूचनाओं को पहुंचाता कौन है, न्यूरॉन्स पहुंचा देती है। ये चीज हो गई। अब बात आई यहाँ पे बेटा प्रतिवर्ती क्रिया। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी क्या, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप। ओके, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं बचाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिवर्ती क्रिया बताती हूँ, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया बताने से पहले एक चीज और बतानी है, वो क्या है। वो चीज गाइस ये हो जाती है कि बेटा अगर मैं आपसे सिंपल एक चीज बोलूं कि ये बताओ, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको भाई कुछ बोलती हूँ, बेटा ध्यान से सुनो, आप सुनते हो, मैं लिखती हूँ, आप नोट डाउन करते हो, देख देख के बिल्कुल कर रहे हो, किसने आपको छुआ, आपको पता लगा किसने छुआ, आपने खाना खाया, आपको पता लगा टेस्ट क्या है, क्लियर। तो यहीं पे जो भाई चीजें होती हैं, आपको कैसे पता लग रहा है भाई स्मेल कैसी, अच्छी है खराब है, आपको पता लगता है, स्मेल करते हो आपको पता लगता है भाई कैसी चीज हो रही है, तो यही चीज। तो यहीं पे होता क्या है बेटा, आपको जानना है क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज एक शब्द आएगा ग्राही। ग्राही का मतलब क्या होता है, ग्राही का मतलब होता है बेटा ग्रहण करना, क्लियर है। क्या होता है, ग्राही का मतलब ग्रहण करना, क्लियर। अब यहां पे होता क्या है गाइस कि भाई ग्रहण करना यानी कि भाई हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें जो ग्रहण की जा रही है, सिंपल सी बात है। आप भाई यहाँ पे चीजों को देख रहे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो और प्लस क्या कर रहे हो, टेस्ट का बता रहे हो, तो ये चीजें कौन ग्रहण कर रहे हैं, तो बेटा हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे ग्राही अंग होते हैं जो क्या करते हैं, इन चीजों को ग्रहण करते हैं, ठीक। अब कौन कौन से वो अंग होते हैं भाई, कैसे, तो सबसे पहली चीज यहीं पे आ जाते हैं, कौन सा बेटा आपका, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाता है नंबर वन आंख, ठीक है, कान, नाक, यहाँ पे आ जाता है आपका जीभ, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है त्वचा, क्लियर क्लियर यहाँ पे गाइस, अरे इतना ही नहीं होता, और होता है, क्लियर। चलिए, हाँ जी, और बेटा ये आपकी जो क्लास चल रही है वो लाइव चल रही है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ओके, तो यहाँ पे ध्यान से सुने, लाइव क्लास चल रही है, ओके। एंड कमेंट्स में गाइस हमेशा क्लास के बाद देखूंगी, ठीक है, इस क्लास में मैं कमेंट नहीं देखती हूँ, क्लास कमेंट्स हमेशा मैं क्लास के बाद देखती हूँ, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ओके। एंड मुझे भाई एक बच्चे ने, मैंने डायग्राम की बात की थी, तो भाई एक बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बना के भेजा था, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बच्ची जो थी बेटा उसका नाम था अदिति, बहुत अच्छे से उसने डायग्राम बनाया था एंड मुझे भेजा था यहाँ पे, तो बहुत सही था बेटा डायग्राम। देखो अगर आप मेहनत करोगे तो फिर वहाँ पे मैं भी आपको थोड़ी हेल्प करूंगी ना, साथ दूंगी, भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, मुझे भी साथ देना है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करना चाहोगे तो फिर दूसरे को भी लगता है कि अरे ये बच्चे ही नहीं करना चाहता, तो आप मेहनत करो, साथ हम देंगे, ठीक है। तो भाई ग्राही अंग की बात चल रही थी, बेटा ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के संवेदी अंग होते हैं, क्लियर। यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे शरीर के संवेदी अंग हो जाते हैं, और संवेदी अंग कौन से अंग होते हैं बेटा, जो इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं कि भाई किसने छुआ, आपको पता लग गया भाई किसने छुआ, संवेदना आई आपको जैसे छुआ, यहाँ की जो न्यूरॉन्स थी आपके हाथ की, कहाँ की बेटा, आपके हाथ की जो न्यूरॉन्स थी उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया कि भाई किसने तुम्हें छुआ है, आगे 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 करते 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 कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंचा देंगे, ठीक। तो आंखों का काम क्या होता है बेटा, देखना, ठीक है। कान का काम क्या है बेटा, कान का काम हो जाता है सुनना,
नाक का काम क्या है? स्मेल करना यानी कि सूंघने का काम है। जीभ का काम क्या है बेटा? टेस्ट का पता लगाना यानी कि स्वाद का पता लगाना। और त्वचा का काम क्या है बेटा? स्पर्श का पता लगाना यानी कि किसने आपको छुआ है, ये सब चीजों का क्या कर देना, पता लगाना। तो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांच के पांच क्या हमारे शरीर के संवेदी अंग है। इनके अलावा कोई और संवेदी अंग नहीं है, ठीक है? अगर आप चीज देख रहे हो तो भाई आंख, कान